किसी बीच एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी। एएसआई ने मांगा है 15 दिन का और वक्त। कोर्ट में समय बढ़ाने की अर्जी लगाई गई है। दोपहर 2:30 बजे केस को लेकर सुनवाई की जाएगी। तो जिला जज कोर्ट में आज दाखिल होनी थी रिपोर्ट, और ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा था उसके लिए जो वक्त दिया गया था वो पूरा हो गया है, लेकिन 15 दिन का और वक्त एएसआई ने मांगा है, ये जानकारी मिल रही है, जिसे लेकर आज 2:30 बजे जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं, कोर्ट में समय बढ़ाने की अर्जी लगाई गई है एएसआई की तरफ से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम लगातार जांच में जुटी हुई थी, लगातार सर्वे में जुटी हुई थी। उपेंद्र द्विवेदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है, क्या सर्वे पूरा नहीं हुआ है और वक्त मांगा गया है एएसआई की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 15 दिन का समय और एएसआई की स्टैंडिंग काउंसिल की ओर से जो प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दिया गया है उसमें 15 दिन का और समय मांगा गया है जिला जज की अदालत से एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए। बता दूं कि इससे पहले भी 15 दिन का समय मांगा गया था अदालत की से एएसआई की टीम ने, और उस वक्त भी बताया गया था कि सर्वे पूरा हो गया, रिपोर्ट बनने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए, और आज फिर एक बार 15 दिन का और समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव की ओर से ये प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। 2:30 बजे अब अदालत ये सुनवाई करेगी और इसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या अदालत 15 दिन का समय देती है या कम समय देती है। हालांकि जो जानकार है कानून के और जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि अदालत 15 दिन का एक्सटेंशन इस पूरे मामले पर दे सकती है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है। माना जा रहा है कि 350 से 400 पन्ने की ये रिपोर्ट है जो एएसआई सर्वे के दौरान तैयार की गई है, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में वक्त लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं। रसायन शास्त्रियों ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, और इसके अलावा जीपीएस तकनीक से जो सर्वे में जानकारी मिली है उनको समाहित किया गया है, और अन्य जो भी विधाएं हैं किसी भी पुरातात्विक धरोहर की जांच करने के लिए उन सभी विधाओं का इस्तेमाल ज्ञानवापी परिषद के एएसआई सर्वे में किया गया है। तो ऐसे में सारी रिपोर्ट्स को, सारे इनपुट को एक साथ कंबाइन करके और उनको रिपोर्ट की शक्ल देने में कुछ वक्त लग रहा है, और इसीलिए एएसआई ने 15 दिन का और समय मांगा है जिला जज की अदालत से। 2:30 बजे अब जिला जज डॉक्टर राजा कृष्ण विश्वेश इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और उसके बाद समय एक्सटेंशन का ऑर्डर देंगे। अगर इस लिहाज से देखें तो 15 दिन बाद यानी कि अब ये रिपोर्ट करीब दिसंबर में के पहले हफ्ते में पेश हो सकती है, जो रिपोर्ट आज पेश होनी थी। पिछली बार भी एएसआई ने सर्वे में 15 दिन समय मांगा था, अदालत ने उसको पूरा 15 दिन का समय दे दिया था। इस लिहाज से माना जा रहा है कि आज भी 15 दिन का समय अदालत एएसआई को देगी। फिलहाल अब 2:30 बजे जब सुनवाई होगी उसके बाद ये प्रार्थना पत्र पर अदालत सुनवाई करते हुए अपना फैसला देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र आपका। और अब बात होगी बिजनौर लूट कांड की। एक हार्डवेयर कारोबारी के घर पर शाम में बदमाश धावा बोल देते हैं और घर में घुसकर लूटपाट की जाती है, फिर घर में मौजूद महिला को बंधक बना लिया जाता है, उससे दुष्कर्म किया जाता है, और बर्बरता की हद तो देखिए, बदमाशों ने महिला को सिगरेट से भी दागा और करोड़ों की लूट को भी अंजाम दिया और भाग गए। डकैती, गैंगरेप और बर्बरता, ये खौफनाक वारदात सरेशाम बिजनौर में अंजाम दी गई, जिसने पुलिस महकमे को भी टेंशन में डाल दिया। ये तस्वीरें उसी वारदात की हैं। बंद एक मकान में एक महिला को बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने घर में डकैती की घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद जब उनका बदमाशों का मन नहीं भरा तो उसके बाद महिला को ही बंधक बनाकर उसके साथ गैंग रेप की घटना कारित कर दी, और बदमाश लूटपाट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। बिजनौर में बदमाशों ने लूट के दौरान हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, साथ ही सिगरेट से कई जगहों पर उसके शरीर को जला दिया। बर्बरता करने के बाद बदमाश घर से करोड़ों का सामान लूट ले गए। जब पुलिस को इस वारदात की भनक लगी तो महकमे में हड़कंप मच गया।
फौरन आला अधिकारी वारदात वाली जगह पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारी जन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते तो अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी नकदी आदि चोरी कर ले गए। 15 नवंबर की शाम कारोबारी अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ दवाई लेने के लिए गए थे। घर पर पत्नी अकेली थी। इसी बीच शाम 7 से 7:30 बजे के बीच 4 से 5 बदमाश पड़ोसी की छत से होते हुए उसके घर में दाखिल हुए। बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी को बंधक बना लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर में शराब और सिगरेट पी। बाद में सिगरेट से पत्नी के शरीर को कई जगहों पर जला दिया। अब जख्म बदमाशों की क्रूरता और बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना में स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। सुबह जब देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने कारोबारी को फोन किया, जिसके बाद कारोबारी फौरन घर लौटा तो अंदर का मंजर हिला देने वाला था। वारदात बहुत बड़ी थी, लिहाजा फौरन पुलिस को खबर दी गई। शुरुआत में थानेदार ने हिलाहवाली की, लेकिन जैसे ही आला अधिकारियों को खबर मिली फौरन अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच की तो पता चला बदमाशों ने 25 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए कैश, 1 स्कूटी, 1 LED TV और 1 मोबाइल सहित कई और सामान लूट लिए। डकैती की इस वारदात में पुलिस की कार्यशैली पर भी खूब सवाल उठे। हालांकि बवाल मचने के बाद SP हरकत में आए और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्च अधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस जब वारदात वाली जगह का मुआयना कर रही थी तो वहां का मंजर डकैतों की बर्बरता और क्रूरता की गवाही दे रहे थे। महिला के हाथों पर सिगरेट से जलाने के निशान, घर की अलमारियों के टूटे हुए ताले, यहां तक कि कटर से काट कर लॉकर तोड़े गए और घर में जो कुछ भी मिला लूट लिया। यहां तक कि महिला की आबरू भी लूट ली। अब पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। हालांकि पुलिस अब तक एक भी सुराग नहीं जुटा पाई है, जबकि इसी कारोबारी के घर अक्टूबर में भी 80,000 की लूट हुई थी। देखना होगा कि इस बार पुलिस डकैतों तक पहुंच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बस्ती से नायब तहसीलदार पर FIR दर्ज की गई है। महिला मजिस्ट्रेट ने मामला दर्ज किया है। धारा 376 के तहत यह मामला दर्ज किया गया कि जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा था। तो बड़ी खबर बस्ती से, हफीजुर रहमान संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ बस्ती से ज्यादा जानकारी के साथ। हफीजुर रहमान, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह के आरोप लगे हैं और FIR दर्ज की गई है तहसीलदार पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सदर तहसील में तैनात नायब मजिस्ट्रेट उनके ऊपर गंभीर आरोप उसी तहसील में तैनात एक महिला मजिस्ट्रेट ने लगाया है। और महिला का आरोप है कि 12 तारीख की रात में लगभग 2 बजे के करीब वो घर पे आते हैं और घर में उसके घुसकर उनके साथ गलत काम करने का प्रयास करते हैं, मारपीट करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाती है। इसको लेकर जो है अब एप्लीकेशन उन्होंने 16 तारीख को डाली है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा 376,
सात सहित कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जो डीएम ने भी तीन त्रिस्तरीय महिलाओं की महिला अधिकारियों की टीम गठित की है जो इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है और उसके बाद आगे कार्रवाई के लिए फिलहाल अभी जो नैत मजिस्ट्रेट हैं जिनके ऊपर आरोप है वो भी फरार हैं। इसके अलावा पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हाफिजुर रहमान। और अब बात होगी अलीगढ़ मर्डर केस की। दीपावली की शाम लड़कों के दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा कि एक गुट ने सरेआम धमकी दे दी कि तुझे तीन दिन के भीतर गोली मार दूंगा। लड़कों की लड़ाई थी लिहाजा किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दिवाली के दो दिन बाद जब लवकुश एक बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे थे तभी दूसरे गुट के लड़के आए और सीधा सिर पर गोली मार दी। देखिए एलानिया कत्ल की यह खौफनाक कहानी। दिवाली पर लड़ाई, बर्थडे पार्टी में मर्डर। कहा था गोली मारेंगे, लो मार दी। परिवार में मातम है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि दिवाली की भोर घर का दीपक बुझ गया। कातिल ने एलानिया कत्ल किया, दिवाली के दिन कहा तुम्हें गोली मार देंगे और 14 नवंबर को जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। भैया का जन्मदिन था उसके कारण और विपक्ष पार्टी का कुछ मसला चल रहा था। ये बनाते रहे पैसे दिए उनको मारने के लिए। किसने पैसे दिए थे मारने के लिए? राजू और लम्बदार। कहाँ के रहने वाले बोलो? आलमपुर के ही है। किस बात के लिए पैसे दिए थे उन्होंने मारने के लिए? अलीगढ़ में अतरौली कोतवाली के गांव स्वालेपुर में दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद 14 नवंबर शाम को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने भाई के जन्मदिन की पार्टी में इस घटना को अंजाम दिया। गोली चलने की आवाज में घर में चीख पुकार मच गई और मोहल्ले में सनसनी फैल गई। जब तक कुछ समझ पाते जमीन पर लवकुश की लाश पड़ी हुई थी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई तो पता चला कि स्वालेपुर गांव में दीपावली की रात पटाखे चलाने के दौरान लवकुश का लाखन और राजू से झगड़ा हो गया था। 14 नवंबर को भी दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ, तब लोगों के बीच बीच बचाव से बवाल टल गया। लेकिन शाम को जब लवकुश अपने चचेरे भाई का जन्मदिन मना रहा था तभी कातिल घर में घुसे बर्थडे पार्टी के बीच लवकुश को सीधा सिर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। हमले में लवकुश की मौके पर ही मौत हो गई। कासुनी हुई जिसके क्रम में एक पक्ष द्वारा आक्रामक होकर के दूसरे पक्ष के एक लड़के पर फायरिंग कर दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। मजरूह को इलाज हेतु सीएचसी ले जाया गया जहां द्वारा इलाज उसकी मृत्यु हो गई। सात संदिग्धों को इसमें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण हेतु क्राइम टीम व फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त कर थाना त्रौली में अभियुक्त पंजीकृत किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तीन टीमें गठित हैं अन्य शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। लवकुश तीन भाइयों में सबसे छोटा था, विकास सबसे बड़ा, जबकि नीरज और लवकुश जुड़वा भाई थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दीपावली की रात पटाखे के दौरान दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी और झगड़ा हत्या तक पहुंच जाएगा। झगड़े के दिन लवकुश पर एक महिला के पेट में लात मारने का आरोप लगा था। उसी दौरान कातिलों ने ऐलान कर दिया था कि वो लवकुश को गोली मारेंगे। तब पुलिस गांव भी गई थी लेकिन शाम होते होते कत्ल हो गया। अब पुलिस की तीन टीमें कातिलों के पीछे लगाई गई हैं। मैं खेत पे चार आदमी ने घेर लिया खेत पे। तो आपने कहीं कंप्लेंट की? एक का नाम राइस और एक का नाम प्रमोद, एक का नाम अंकित। बालक कहाँ धमक का चढ़ा रहे सारे इनकी चिड़की बजाते भाव है। चिड़की बजाते भाव के धमाका फमक्का चौं चटका रहे हैं। क्या आपकी पहले भी रंजिश थी इस मामले में? भाई ये बाप रे चौनन पर दो तीन महीना पहले जब हमने दीदारी कर ली। घटना के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दावा है कि जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, विश्व कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में ये मोदी स्टेडियम में मुकाबला होना है, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये मैच रहेगा। 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होगा और इसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 19 नवंबर को अहमदाबाद में जो फाइनल मुकाबला होना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वर्ल्ड कप का ये फाइनल मुकाबला, जिसे देखने के लिए क्रिकेट के फैंस काफी उत्साहित हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला देखेंगे। तो विश्व कप का फाइनल मैच देखने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।